तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसटीआर। और आज हम यहाँ पे एसटीआर के एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। तो आइए अब हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी में होता क्या है? मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज करो दो फ्रेम है, एक मेरे पास यहाँ पे एस फ्रेम है और एक मेरे पास यहाँ पे एस डैश फ्रेम है। अब इन फ्रेम्स में मैं यहाँ पे दो इवेंट्स को देखता हूँ और देखता हूँ कि वो दोनों इवेंट्स कैसे फ्रेम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज करो ये मेरे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम मेरे पास है यहाँ पर एस। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक एस फ्रेम है, हम यहाँ पे इसको एस फ्रेम बोल देते हैं। और फ्रेंड्स, एक फ्रेम आपके पास है यहाँ पर एस डैश। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक एस डैश फ्रेम है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इनको बना लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है फ्रेंड्स एस डैश। अब हम यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो फ्रेंड, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये आपकी एक्स प्राइम एक्सिस है, ये आपकी वाई प्राइम एक्सिस है और ये आपकी जेड प्राइम एक्सिस है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, सपोज करो मेरा जो एस फ्रेम है, एस फ्रेम में आपके यहाँ पे दो इवेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे सपोज करो दो इवेंट हो रहे हैं, ये आपके पास इस तरीके से दो इवेंट हैं। दो इवेंट का कहने का मतलब है, यहाँ पे आपकी मैंने दो फ्लैश लाइट एक साथ ऑन करी हैं। मीन्स आपके पास दो फ्लैश लाइट हैं, आपने उन दोनों फ्लैश लाइट को एक साथ यहाँ पे क्या करा है, ऑन करा है। तो फ्रेंड्स, जब आप इनको एक साथ यहाँ पर ऑन करते हो, ऐसे करके क्या करा है आपने, इसको यहाँ पे ऑन किया है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसको मैं यहाँ पे पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो फ्रेंड, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास कुछ इस तरीके से हैं। ये आपके पास है एक्स ए जीरो जीरो। और फ्रेंड, जो आपका पॉइंट बी है, इसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारे पास है एक्स बी जीरो जीरो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो आपका एस फ्रेम है, एस फ्रेम में जो आपके इवेंट हो रहे हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं एक्स ए जीरो जीरो और एक्स बी जीरो जीरो, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है। अब ये दोनों इवेंट्स आपके फ्रेम एस में एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हमारा इवेंट ए है, इवेंट ए का जो टाइम है वो मेरे पास कितना है टी ए, और जो मेरा इवेंट बी है इसका जो टाइम है वो मेरे पास कितना है टी बी। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि दोनों इवेंट हमारे एक साथ हो रहे हैं एस फ्रेम में। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका क्या होगा, टी ए इजिकल टू टी बी, वेरी सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा किस पर है, आपका एस फ्रेम में, और इसका मतलब ये है कि ये होगा मेरा इक्वल टू टी। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि सपोज कि हमारा जो एस फ्रेम है, अगर एस फ्रेम में मेरा पहला वाला इवेंट सपोज करो 8 बजे हो रहा है, तो वही इवेंट मतलब दूसरा इवेंट जो है मेरा पॉइंट बी वाला इवेंट, वो भी मेरा 8 बजे होगा एस फ्रेम में। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड, टी ए इजिकल टू टी वी इजिकल टू 8 o'clock। मतलब यहां पे हम टाइम क्या ले रहे हैं, हम 8 बजे का समय ले रहे हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों इवेंट आपके कितने बजे हुए हैं, 8 बजे। मतलब 8 बजे आपके यहाँ पे दोनों इवेंट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर मेरे पास जो एस फ्रेम है, सपोज करो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो रहा है एक बाइक का एक ट्रक से, तो फ्रेंड्स आपके दो इवेंट हुए, मतलब बाइक ने हिट करा और ट्रक ने भी हिट करा, तो दोनों इवेंट आपके साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इसका मतलब है टी ए इजिकल टू टी वी इजिकल टू टी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया एस फ्रेम में। अब हम बात करते हैं एस डैश फ्रेम में। तो फ्रेंड, जो मेरा एस डैश फ्रेम है वो मेरा एस के रेस्पेक्ट में, फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब फ्रेंड, जहां पे जो आपके इवेंट होंगे, ये हमारे यहाँ पे पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट ए है, तो और ये आपका फ्रेंड्स पॉइंट बी है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इन दोनों इवेंट्स का समय देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों इवेंट्स का क्या टाइम है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब सपोज करो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे पास इवेंट होगा इसके लिए हमारे पास क्या होंगे। तो फ्रेंड देखो, अब यहाँ पे जो इवेंट है, अब ये आपका टी फ्रेम, टी डैश फ्रेम है, मतलब आपका वो सॉरी आपका एस प्राइम फ्रेम में है। तो फ्रेंड, इसके जो हमारे पास इसका जो टाइम होगा वो होगा हमारे पास टी ए डैश, और इसका जो हमारे पास टाइम होगा वो होगा हमारे पास टी
डैश बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास टाइम आ गए। अब आपने देखा फ्रेंड्स ये जो हमारे पास इवेंट हो रहा है ये हमारा एस डैश फ्रेम में हो रहा है और एस डैश फ्रेम मेरा वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करता हूं तो आप देखो पता है आपके पास टाइम का क्या फॉर्मूला होता है। हमारे पास टाइम होता है यहाँ पे आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर इस चीज को निकालेंगे। तो फ्रेंड अब आप देख सकते हो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होगा वी इंटू टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये टाइम क्या निकल के आएगा आपका डिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो आपका एस डैश फ्रेम है वो आपका वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इनके मतलब दोनों फ्रेमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास वी टी होगा। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड कि जो आपका टी ए डैश है इसका जो टाइम होगा वो हमारे पास कितना होगा। तो फ्रेंड हम जानते हैं अगर आपने टाइम डायलेशन पढ़ा है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हमको लिखने का जो तरीका होगा वो फ्रेंड्स हमारे पास होगा कि आपका जो टी डैश ए होगा वो हमारे पास फ्रेंड्स इस तरीके से आ जाएगा टी ए माइनस का और ये हमारे पास होगा एक्स ए, ये आ जाएगा आपका वी अपॉन सी स्क्वायर और फ्रेंड्स इनटू गामा। तो ये हमारे पास टी ए डैश है। मतलब आपका टी ए डैश का मतलब क्या है कि आपने इसमें से टी ए में से आपने ये वाला टाइम क्या कर दिया लेस कर दिया टी वाला। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा टी ए माइनस का एक्स ए वी अपॉन सी स्क्वायर। और फ्रेंड जो हमारा वी अपॉन सी स्क्वायर होगा अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास है एक्स ए। और फ्रेंड जो आपके पास टाइम होता है आप खुद देखिए ये हमारे पास टाइम है। तो अगर मैं वी से वी कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास एक्स ए अपॉन सी आ रहा है इसका मतलब ये हमारे पास टाइम है। तो फ्रेंड आपने यहाँ पे इसको टाइम लिखा तो टी ए डैश इज इक्वल टू एक्स टी ए माइनस का एक्स ए वी अपॉन सी स्क्वायर गामा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा टी वी डैश और टी वी डैश हमारे पास कितना आएगा यह आएगा हमारे पास टी वी माइनस का यह हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स आपका एक्स बी और यह हमारे पास कितना आएगा वी अपॉन सी स्क्वायर गामा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिखा यह हमारे पास एस डैश फ्रेम में इनका टाइम आ गया। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों टाइम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपके पास टाइम कैसे आ रहे थे सेम और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम कैसा है रिलेटिव में। तो टी ए डैश इज इक्वल टू टी ए माइनस का एक्स ए वी अपॉन सी स्क्वायर गामा और टी ए डैश और इज इक्वल टू टी वी माइनस का एक्स बी वी अपॉन सी स्क्वायर गामा। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो अब हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस देखोगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू आई है यह हमारे पास आया है टी डैश प्राइम इज इक्वल टू यह हमारे पास है फ्रेंड्स टी ए माइनस का यह हमारे पास आया है एक्स ए यह आया है आपका वी अपॉन सी स्क्वायर और फ्रेंड्स यह हमारे पास है इंटू गामा। इसी तरीके से आपके पास जो टी वी डैश आया है यह हमारे पास है फ्रेंड्स टी वी माइनस का यह हमारे पास है एक्स वी वी अपॉन सी स्क्वायर और गामा। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों जो ये हमारे पास यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं अगर मैं इन दोनों इवेंट का टाइम डिफरेंस निकालूं तो वो मेरे पास कितना आएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों इवेंट्स का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड देखते हैं वो कितना आता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं अगर फ्रेंड्स वो जीरो आता है तो इसका मतलब है दोनों इवेंट मेरे एस डैश फ्रेम में भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और अगर इन दोनों का इवेंट्स जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब है यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपकी लॉस हो रही है मतलब साइमल्टेनियसली आपकी लॉस हो रही है वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम इन दोनों को यहाँ पे करते हैं तो अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट गामा से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले इक्वेशन को ब्लू कलर से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका गामा टी बी माइनस का फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका गामा एक्स बी और ये आ जाएगा वी अपॉन सी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन। अब दूसरी इक्वेशन को हम लिख देते हैं तो दूसरी इक्वेशन है आपकी टी ए की फॉर्म में ये हो जाएगा आपका गामा टी ए और प्लस फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एक्स ए गामा और यह आ जाएगा वी अपॉन सी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन निकल के आई है। अब आप देखिए ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पे जो आपका टी ए है आपने देखा है टी ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है टी वी। तो फ्रेंड्स ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच रहा है तो यह बच रहा है मेरे पास
टीवी डैश माइनस का या हमारे पास है टीए डैश इज इक्वल टू, फ्रेंड्स आपके पास क्या बचा, तो आप यहां से देख सकते हैं यहां से मेरे पास माइनस, ये हमारे पास है माइनस का साइन, और फ्रेंड्स यहां से हमारे पास गामा और हमारे पास v और हमारे पास c स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो फ्रेंड इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा xv माइनस का xa, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारी नॉन जीरो टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारी साइमल्टेनिटी लॉस हो रही है, तो यहाँ पे लॉस हो रही है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है इस तरीके से। और ये हमारा किस में, एक्स डायरेक्शन में, फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारी जो एक्स डायरेक्शन में साइमल्टेनिटी है वो हमारी लॉस हो रही है इस तरीके से। तो आपने ये लिखा, तो फ्रेंड इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख लेता हूं, तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया टीवी डैश माइनस का हमारे पास है टीए डैश इज इक्वल टू फ्रेंड्स माइनस का, ये हो जाएगा आपका वी अपॉन सी स्क्वायर, और फ्रेंड्स ये मेरे पास है आपका एक्स बी माइनस का एक्स ए। अब फ्रेंड्स हमारे पास गामा आया था, तो गामा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, तो ये हमारे पास है आपका साइमल्टेनिटी फॉर्मूला इन एक्स डायरेक्शन, हम बात कर रहे हैं किसमें, इन एक्स डायरेक्शन में, इसका आप हमको को ध्यान रखना है कि आपका एक्स डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स क्या हो अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें, है ना, मतलब फ्रेम आपका चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, इवेंट आपके हो रहे हैं वाई डायरेक्शन में, इसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ पे जो आपका ये एक फ्रेम ये है आपका सेम, और फ्रेंड दूसरा फ्रेम आपके पास ये है एस डैश फ्रेम, तो ये मेरे पास है एस डैश फ्रेम, ये हमारे पास है एस फ्रेम, और ये भी आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब सेम चीज है, बस ये हमारा x है, ये आपका y है, और सॉरी ये आपका y है, ये आपका z है फ्रेंड्स, ये आपका z प्राइम, ये आपका x प्राइम, और ये आपका y प्राइम इस तरीके से। अब फ्रेंड यहाँ पे जो आपके इवेंट हो रहे हैं वो हमारे s डैश हमारे s फ्रेम में यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब y एक्सिस में आपके इवेंट हो रहे हैं और फ्रेम आपका x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, सेम चीज फ्रेंड्स यहां पर हो रही है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका फ्रेंड्स बी पॉइंट है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जो हमारा एस फ्रेम है, तो एस फ्रेम में इवेंट्स ये हमारे पास इसका टाइम कितना है टी ए, और फ्रेंड इसका टाइम भी कितना है टी वी, तो यहां पे तो कंडीशन आपकी सेम रहनी है, टी ए इज इक्वल टू टी वी इज इक्वल टू टी। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप डिफरेंस निकालोगे दोनों टाइम के बीच का तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा एस फ्रेम है, एस फ्रेम में अगर मैं वाई डायरेक्शन की भी बात करता हूं तब भी मेरे इवेंट्स का जो साइमल्टेनिटी है वो मेंटेन रहेगी। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे एस डैश फ्रेम में कि एस डैश फ्रेम में वाई एक्सिस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारे जो इवेंट है वो वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास फॉर्मूले निकल के आए थे और फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था, जब हमारा एस डैश फ्रेम में मूव कर रहा था तो फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला आया था यहाँ पे टी ए डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या था फ्रेंड्स आपका, ये हमारे पास था माइनस, तो सॉरी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इसको, ये हमारे पास था टी ए माइनस, और फ्रेंड्स फिर हमारे पास था यहाँ पे एक्स ए, और इस तरीके से ये हमारे पास है फ्रेंड्स आपका वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा, तो ये हमारे पास एक आया था। इसी तरीके से फ्रेंड्स टी वी डैश हमारे पास कितना आया था टी बी माइनस का, ये हमारे पास है सॉरी इस तरीके से, तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास है आपका एक्स बी और ये हमारे पास है वी अपॉन सी स्क्वायर गामा। लेकिन फ्रेंड्स बात समझो, इवेंट हमारे वाई एक्सिस में हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ए और एक्स बी का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि इवेंट तो मेरे वाई एक्सिस में हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हेयर एक्स ए इज इक्वल टू जीरो और एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इवेंट तो वाई एक्सिस में हो रहे हैं, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास वाई ए होंगे, वाई बी होंगे इस तरीके से, ये हमारे पास होगा वाई ए और वाई बी क्योंकि इवेंट तो वाई एक्सिस में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया टी ए डैश इज इक्वल टू फ्रेंड्स टी ए, क्योंकि ये तो हमारा जीरो हो जाएगा,
इसी तरह और गामा साथ में फ्रेंड्स क्या लगा देंगे, गामा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा आपका टी वी गामा। तो फ्रेंड्स ये आपके पास निकल के आया। अब अगर मैं इसको लगाऊं तो आपके पास क्या आएगा, तो फ्रेंड्स आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास निकल के आया यहाँ पे टी डैश ए इज इक्वल टू गामा टी ए, और फ्रेंड्स आपके पास क्या निकल के आया टी वी डैश इज इक्वल टू गामा टी वी। अब आप फ्रेंड्स हम इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, तो आप देखिए इन दोनों को अगर मैं इसको लिखता हूँ टी वी डैश सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं और टी ए डैश इज इक्वल टू फ्रेंड्स आपके पास क्या होगा, गामा आपने कॉमन लिया, ये आ जाएगा आपका टी वी माइनस का टी ए। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी वी होता है, तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं टी वी डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास है टी ए डैश इज इक्वल टू गामा, इसको टी वी की जगह में टी ए पुट कर देता हूँ माइनस का टी ए, तो फ्रेंड्स ये आपस में कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ टी वी डैश इज इक्वल टू टी ए डैश इज इक्वल टू जीरो, और फ्रेंड इसका मतलब हुआ हमारे पास टी वी डैश इज इक्वल टू टी ए डैश। तो आपने क्या देखा कि अगर मेरा फ्रेम एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इवेंट अगर मेरे वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं तब भी हमारी साइमल्टेनिटी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला होगा, मतलब दोनों इवेंट्स मेरे सेम डायरेक्शन में होंगे और सॉरी सेम टाइम में होंगे, है ना, अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आपके इवेंट वाई एक्सिस में हो रहे हैं और फ्रेम मेरा एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहां पर आपका फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे साइमल्टेनिटी आपकी मेंटेन रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मेरा फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इवेंट में मेरी एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो हमारे एस डैश फ्रेम में साइमल्टेनिटी ब्रेक हो जाएगी, वो हमारी पास नहीं रहेगी। तो आपने यहाँ पे इसको देख लिया है, ये हमारे पास है इन एक्स डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन एन इनर सेल फ्रेम एस टू इवेंट्स ए एंड बी टेक प्लेस एंड दिस, है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूं। इन एन इनर सेल फ्रेम एस टू इवेंट्स ए एंड बी टेक प्लेस एट सी टी इज इक्वल टू जीरो, आर ए इज इक्वल टू जीरो एंड सी टी वी इज इक्वल टू जीरो और आर वी इज इक्वल टू टू वाई respectively, तो that time at which these event take place in the x dash moving with a constant velocity 0.6 cy with respect to s are given by। तो friend यहाँ पे आप question देखिए, question में आपको यहाँ पे जो event है वो हमारे y direction में हो रहे हैं और हमारा जो frame है वो भी y direction में move कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रेम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम, और इवेंट आपके देखिए कहां पर हो रहे हैं, हमारे वाई डायरेक्शन में इवेंट हो रहे हैं। तो फ्रेंड पहले मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये जो आपके पास फ्रेम है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम पहले यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे इसको समझाऊंगा, सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपके पास सपोज करो फ्रेम है, यह आपका एक्स फ्रेम है, ये आपकी x एक्सिस है, सपोज करो ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है। अब फ्रेंड जो इवेंट हो रहे हैं ये हमारे क्या है, सी टी ए इज इक्वल टू जीरो और आर ए इज इक्वल टू जीरो। आर ए का मतलब क्या है फ्रेंड, कि ये हमारे पास है आर ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये आपको आर ए पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन पे, और आपको आर बी कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, आर बी आपके पास है यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है आर बी, इस तरीके से ये आपके पास आर बी है, ये आपके पास आर ए है, और फ्रेंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है 2y कैप, इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है। अब फ्रेंड ये हमारे पास क्या होता है CTA, तो आपको पता है CTA हमारे पास क्या है जीरो और CTB भी हमारे पास क्या है जीरो, मतलब इन दोनों ये हमारे जो दोनों के दोनों हमारे चीजें हमारी फिक्स है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये चीजें यहाँ पे दिए हुए हैं आर ए और हमको आर बी ये दिया, और इन दोनों के बीच का जो फ्रेंड डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है 2y cap। अब जो हमारा फ्रेंड्स फ्रेम है ये हमारा मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, है ना। अब जो हमारा फ्रेम है फ्रेंड्स वो भी हमारा s आपका s के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने इस तरीके से एक फ्रेम बनाया, ये हमारे पास एक फ्रेम है और एक फ्रेम फ्रेंड्स आपका इस तरीके से है ये हमारे पास।
अब ये हमारा वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सपोज करो फ्रेंड्स ये मेरा एस डैश फ्रेम है और ये मेरा एस फ्रेम है, इस तरीके से ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस, इसी तरीके से ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है जेड एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब फ्रेंड्स आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर हैं, ये हमारे पास पॉइंट है, एक ओरिजिन पर है और एक आपका ये है, तो ये मेरे पास है आर ए और ये मेरे पास है आर बी, और फ्रेंड ये हमारे पास कितना दिया हुआ है टू वाई डैश टू वाई कैप, तो फ्रेंड इन दोनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा इस तरीके से। और जो फ्रेम आपका मूव कर रहा है, अब ये जो फ्रेम है आपका ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 0.6c, तो ये आपको दिया हुआ है 0.6c वाई कैप। तो मैंने आपको बताया था अगर सेम डायरेक्शन में इवेंट हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आपका फ्रेम मूव कर रहा है तो वहां पे लॉस आपका होगा, साइमल्टेनिटी में लॉस होगा। तो फ्रेंड फॉर्मूला आपके पास कितना आ जाएगा, तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास टीवी डैश इज इक्वल टू टीवी डैश माइनस का, ये होगा आपके पास टीवी डैश माइनस का टी ए डैश इज इक्वल टू फ्रेंड माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास फ्रेंड आपके पास आर बी माइनस का आर ए, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई वन माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब फ्रेंड इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका टी वी डैश माइनस का टी ए डैश इज इक्वल टू, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, अब ये आपके वी कितनी दी हुई है 0.06c और सॉरी 0.06 ही नहीं है ओनली 0.6 है, तो 0.6c अपॉन फ्रेंड सी स्क्वायर, और आर बी माइनस आर ए का डिफरेंस कितना है तो 2y कैप, तो फ्रेंड्स ये आपको कितना दिया हुआ है 2, इस तरीके से ये हमारे पास 2 है। अब फ्रेंड्स अंडर रूट 1 माइनस का ये हमारे पास वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.6c का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस सी से आपका ये वाला सी कैंसिल होगा इस तरीके से, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 0.6c इंटू 2 अपॉन सी, अब ये वाला जो सी है फ्रेंड्स मैंने इसको यहां लिख दिया इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस, ये हमारे पास 1 माइनस है और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 36 अपॉन 100, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 36 अपॉन 100। अब मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो फ्रेंड्स हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका टीवी डैश माइनस का टी ए डैश इज इक्वल टू ये हमारे पास है 0.6 इंटू 2 अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस का 36 अपॉन 10 और 100, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 बाहर आ जाएगा तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 1.2 माइनस का साइन भी है माइनस का साइन इंटू फ्रेंड्स 10 अपॉन ये हमारे पास कितना आएगा आपका सी इंटू, अब फ्रेंड्स ये हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 64 और 64 का रूट हमारे पास कितना आएगा 8, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इस सी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स सी हमारे पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास टी वी डैश माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास टी ए डैश इज इक्वल टू, अब फ्रेंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ तो ये हमारा अगर कैंसिल होगा तो ये आएगा आपके पास 5 ये आएगा अपॉन में 4, इस तरीके से। और फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, तो अगर आप इसको यहाँ पे फिर अगर इसको डिवाइड कर सकते हो 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारे पास से 12 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस का, तो फ्रेंड्स ये आपका 6 आ रहा है और ये हमारा कितना आ जाएगा 3/2, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आ रहा है माइनस का 3/2। तो आपने देखा इस तरीके से हमारे पास क्या है सी टी वी डैश माइनस का टी डैश इज इक्वल टू माइनस का, फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारे पास चीजें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, तो हम यहाँ पे अगर फ्रेंड इसको देखेंगे तो सी टी वी डैश हमारे पास कितना आ रहा है, तो फ्रेंड सी टी वी डैश ये मेरे पास आ रहा है माइनस का फ्रेंड डैश, और अगर मैं फ्रेंड यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करता हूँ तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी टी ए डैश इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है 0, तो फ्रेंड ये हमारे पास है। अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन में हमारा जो आंसर है वो हमारे पास ये मैच कर रहा है,
तो सी टी ए डैश इज इक्वल टू जीरो और सी टी बी डैश इज इक्वल टू पैंतीस, क्योंकि आप देखो ये तो हमारा ओरिजिन पर है, सी टी ए डैश हमारा ओरिजिन पर है, लेकिन जो हमारा तो इसीलिए फ्रेंड जो हमारा सी टी ए इज इक्वल टू जीरो और सी टी ए डैश भी हमारा क्या आएगा जीरो आएगा इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस है सॉरी वाई एक्सिस है वो हमारी मूव कर रही है, तो इसलिए इस तरीके का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे पास क्या है उसकी पोजीशन। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, और फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरे को मैं आपको यहाँ पे 100% उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा मन और भी करता है वीडियोस बनाने का, तो आप मेरे काम को मोटिवेट कीजिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए जिससे कि आपकी अच्छे से यहाँ पे लर्निंग हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।